नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज सबसे बड़ी खबर आ रही है सीएम सिटी करनाल से। करनाल के साथ आज हरियाणा भर में मौजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालयों में सीएम की फ्लाइंग टीम ने आज सुबह 9 बजे के बाद अचानक छापेमार कार्यवाही को अंजाम दे डाला। हरियाणा में मनोहर सरकार पिछले 5 सालों से लगातार भ्रष्टाचार का निशाना बनाकर ईमानदारी का ढोल पीटती आई है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हरियाणा तो छोड़ो, सीएम सिटी करनाल में भ्रष्टाचार का खात्मा करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए एक चैलेंज साबित हो रहा है। आपको भी याद होगा कि अभी पिछले दौरे के दौरान ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लघु सचिवालय में मौजूद तहसील परिसर में छापा मारा था। इस छापेमार कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री ने तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार समेत कईयों को सस्पेंड भी कर दिया था। साफ जाहिर था कि अधिकारियों को लापरवाही के कारण सस्पेंड किया गया था, क्योंकि तहसील में तहसीलदार के पास काफी दिनों से एक फाइल अटकी थी। अब सरकारी दफ्तरों में पहुंचने वाली आम लोगों की फाइलें क्यों अटकाई जाती हैं, इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे। आज जिस तरह से हरियाणा भर के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालयों में फ्लाइंग टीम द्वारा छापे मारे गए हैं, उससे तो एक चीज साफ है कि इन दफ्तरों में जाने वाले लोग अभी भी दुखी हैं और कहीं ना कहीं लोगों से पैसे भी वसूले जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं करनाल के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में, जो सेक्टर 12 में स्थित है। देखिए हमारे कैमरामैन सनी चौधरी की यह विशेष रिपोर्ट। आप इस रिपोर्ट में लोगों की प्रतिक्रिया देखना ना भूलें और फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालयों में पहुंचने वाली फाइल पर डिस्कस जैसे शब्द क्यों लिखे जाते हैं। पहले आप देखिए यह रिपोर्ट। जिसकी कंप्लेंट होती है उसकी स्टैंड ऑफ सबली भगत से बदली कर देते हैं। किशन सिंह की बदली की गई है, 20 बार आरटीओ मांगी गई, गोल मोल जवाब देकर अपना डब्बा बंद कर देते हैं। मैं हर तरह 1 साल से लड़ रहा हूँ इनसे। किशन सिंह जय यहाँ पे जय ना होने के बावजूद भी रंगा राव जो स्टेट ऑफिसर थे, इससे पहले उन्होंने बदली कर दी। उससे पहले अनुपमा मैम छुट्टी लेके चले गए, कह रहे हैं मैटरनिटी लीव ली है, सारा कुछ लिया है, मैं नहीं पता क्या लीव लिया क्या नहीं ली। क्या शिकायत है आपकी? मेरे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। 264 नंबर कमर्शियल चल रहा है, कई सालों से कमर्शियल चल रहा है, वो फुल कमर्शियल चल रहा है, कमर्शियल चल ही नहीं सकता। क्या लगता है कौन कौन मिले हुए इसमें? ये सर स्टेट ऑफिसर से लेकर जय ब्रांच तक सब मिले हुए हैं। यहाँ का जो इस टाइम जय है उसको भी कहा गया था भी ये कम्प्लीशन मत करना, ये कर दिया उन्होंने, मिली भगत से किया है। पेनल्टी मेरे हिसाब से जो मुझे पता लगा 30-40 हजार रुपये पेनल्टी लगाई है, लोगों को 5-5 लाख रुपये पेनल्टी लगाई है, उसी शोरूम की, उसी बराबर के शोरूम की, 902 नंबर की। क्या नाम आपका? मेरा विजय सचदेवा। कोई डिमांड ना करते, हमें तो सिर्फ घुमाया जा रहा है। जो इन मेन मैं यहाँ के यहाँ नोटिस किया है, जो यहाँ एडीए इनकी पोस्ट पे है, जिन्होंने ये केस देखना होता है, वो ब्लाइंड है, उनको असिस्टेंट की हमेशा जरूरत रहती है। वो कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, वो फाइलें डिस्कस करके वो देखते हैं, उसके बाद ये फाइनल करते हैं। अब जिसको ये पोस्ट दी है वो बंदा ब्लाइंड है। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं सेक्टर 7 733 संपर्क में हूँ। अभी तक ये घूम रही है फाइल आपस में, कभी स्टेट ऑफिस से डिस्कस, कभी डिस्कस टू सुप्रिटेंडेंट। आज मुझे इन्होंने बोला है कि आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। कितने महीने हो गए आपको आते हुए? 3 महीने से मेरा प्रोसेस चल रहा है, उसमें इन्होंने कभी किसी चीज को, कभी किसी चीज को बोलते। अब मुझे आज हाल में आप आज भी लगता है कि तब आज सीएम पहुंचाने के बाद आज मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी आज अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बाद आपको इसका अलॉटमेंट लेटर इशू। जो डिस्कशन लिखा जा रहा है, अब ये चीज तो ये जाने, अब हमसे किसी बात की उन्होंने कोई डिमांड ना करते, हमें तो सिर्फ घुमाया जा रहा है। जो इन मेन मैं यहाँ के यहाँ नोटिस किया है, जो यहाँ एडीए इनकी पोस्ट पे है, जिन्होंने ये केस देखना होता है, वो ब्लाइंड है, उनको असिस्टेंट की हमेशा जरूरत रहती है। वो कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, वो फाइलें डिस्कस करके वो देखते हैं, उसके बाद ये फाइनल करते हैं। अब जिसको ये पोस्ट दी है वो बंदा ब्लाइंड है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ से रुको? मैं सेक्टर 7 733। उसका मतलब ऑनलाइन तो जो भी है, मेरी मदर की डेथ हुई थी, 5 तारीख की मेरी डेट थी, तो मैंने यहाँ पे दी थी, वो इस सारे स्टाफ ने तो एक दिन में क्लियर कर दिया था, वो ये सबके पास पड़ी हुई है। अभी वो मेरे को वहाँ से मैसेज आना था, वो 5 तारीख के बाद वो 8 दिन हो गए। नहीं हुआ, मतलब कई दिन वेट करना पड़ा। हाँ जी हाँ जी,
बाकी ये कहते हैं ये साहब के पास बड़ी है वहां से डिस्कस होकर निकले। तो यहाँ भी डिस्कस होता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि नगर निगम में था डिस्कस, ऐसा ही डिस्कस कुंडा दफ्तर कार्यालय में भी देखा जा सकता है। आपने लोगों का गुस्सा और अधिकारियों पर लगाए जा रहे लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप देख लिए होंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में फ्लाइंग टीम ने जो छापेमारी की उसके बाद प्रमुख अधिकारी ने छापामार कार्यवाही को लेकर क्या कहा पहले ये भी सुन लीजिए। सीएम फ्लाइंग की रूटीन चेकिंग है, आज हम ठीक 9:05 पर यहाँ गए थे तो काफ़ी यहाँ के कर्मचारी अधिकारी अनुपस्थित थे जो काफ़ी लेट तक मतलब यहाँ ऑफिस में आए हैं। ये रूटीन की लैगिंग है, हम बाकी सब सारा रिकॉर्ड सब कुछ यहाँ चेक कर रहे हैं, पब्लिक की शिकायतें भी सुन रहे हैं और इसके बाद जो भी चेकिंग में कमियां पाई जाएंगी उसकी रिपोर्ट। सर लोगों ने बताया कि तीन तीन चार चार महीने से चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उनको, कहीं मतलब हमारे को ये हैं से शिकायत करता जिन्होंने कहा अभी हमारे को तीन तीन महीने चक्कर लगाते होंगे, उनकी भी मतलब समस्या का हम सोल्यूशन करते हैं। सर जो अधिकारी सीनियर अधिकारी 10:30 तक ऑफिस नहीं पहुंचे उनके नाम भी लिख लिए गए हैं? बिल्कुल, सभी के नाम लिख लिए गए हैं जो भी टाइम पे नहीं आया, तो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, बिल्कुल कार्रवाई। तो लोगों से अपील करेंगे, लोग दुखी होते हैं सीएम फ्लाइंग पे या सीएडी या विजिलेंस पे शिकायत दे सकते हैं, कोई पैसे की डिमांड करता है तो कहाँ शिकायत दें? विजिलेंस हमारा डिपार्टमेंट है, सेक्टर 8 में विजिलेंस ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। कितने मिले सर टोटल कर्मचारी? सर अभी हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट हैं हुड्डा के अंडर, 4-5 डिपार्टमेंट है, सभी का हम काउंट कर रहे हैं, काफी मतलब लेट आए हैं कर्मचारी, कुछ एब्सेंट भी हैं। तो यहाँ के स्टेट ऑफिसर भी 1.5 घंटा लेट आए हैं, अभी 10:30 आए जी, बिल्कुल राइट, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यू आर नाइट, इनके बारे में भी हम लिख कर भेजे। बड़ी बात यह है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में इस समय जो संपदा अधिकारी है वह एक महिला है, उनका नाम अनुपमा सांगवान है। हालांकि आज वो इस कार्यवाही को लेकर एक तरह से बसती हुई नजर आई, लोग कई दफे इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भी लगा चुके हैं, लेकिन मजाल है कि इन अधिकारियों पर कोई जू भी रेंग जाए, इन्हें तो बस मतलब है अपनी जेब भरने से, भले ही आम आदमी कई महीने तक दर दर की ठोकरें ही क्यों ना खाते थे। हम हैरान भी है कि सीएम सिटी में अधिकारियों की कार्यवाही और उनका रवैया जग जाहिर है, बावजूद इसके वह अपने आकाओं की मदद के चलते सीएम सिटी में डटे हैं। मुख्यमंत्री भले ही करनाल की विधायक है लेकिन सच्चाई यह है कि आज लोगों के दुखों और तकलीफों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल दूसरे नेताओं की तरह विधायक तो है नहीं जो हर हफ्ते अपने हलके की जनता से रूबरू होते हो और उनकी तकलीफें सुनते हो। करनाल के विधायक तो ठहरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, लिहाजा जब उनके हाथ समय लगता है तो वो आ जाते हैं करनाल में, लेकिन उनका आम लोगों से मिलना बहुत ही कम रहता है। सुरक्षा की वजह से आम व्यक्ति सीएम के पास फटक भी नहीं सकता, शायद यही वजह रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 50% करनाल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मत का इस्तेमाल करना ही मुनासिब नहीं समझा और ऊपर से कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह 35,000 मत ले उड़े। अब आप ही अंदाजा लगा ले कि करनाल के विधायक मनोहर लाल की प्रसिद्ध का ग्राफ निरंतर क्यों गिर रहा है। अब आपको ले चलते हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय की महिला अधिकारी अनुपमा सांगवान के पास, आप भी सुन लीजिए कि सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद वह किस तरह से खुद का बचाव कर रही हैं और कैसे अपने आप को असहाय भी बता रही हैं। फिर आपको बताएंगे कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचने वाली फाइल पर डिस्कस शब्द आखिर लिखा क्यों जाता है। और मैं मीटिंग अटेंड करने गई थी आप लोगों के सामने, बस मीटिंग अटेंड करके ही आई, तो अंदर क्या सिस्टम था उसके बारे में मैं तो अभी कुछ नहीं बता सकती। जैसे डीएसपी साहब बता रहे हैं आज लेट आए हैं तो रूटीन होगा या कुछ कुछ न कुछ कहीं नेग्लिजेंसी तो है? रूटीन में तो मैं चेक करती हूँ, यहाँ पे बकायदा बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, यहाँ पे सबकी हाजिरी दर्ज हो गई है, मूवमेंट रजिस्टर भी कम्प्लीट करा मैं। नहीं नहीं लगातार मतलब नोटिस भी इशू किए जाते हैं अगर कोई लेट आता है तो। कार्रवाई भी हो गई मैडम? कई बार हमने मतलब मैंने नोटिस भी जारी किया है कि भी सैलरी डिडक्ट की जाए और फ्यूचर में विजिलेंस रहे। होती भी है मैडम डिडक्ट? होती है, पास्ट में ऐसा 1-2 बार हुआ है जो बिल्कुल ही नेग्लिजेंस बरतते हैं तो कार्यवाही की गई। उसके बाद जो मेरे पास शिकायत आती है ऊपर भी फॉरवर्ड की जाती है क्योंकि मैं एक्शन टेकिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, आई एम जस्ट रेकमेंडिंग अथॉरिटी, तो मैं ऊपर रेकमेंड करती हूँ। आम जनता की तरफ से भी कुछ शिकायतें, उन पर भी थोड़ा सा लेट लगी थी काम में,
देखो जी, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, टाइम बाउंड है। मेरे ख्याल से HSVP को तो एक्सीलेंसी अवार्ड भी मिला है इस चीज में कि भी ऑनलाइन सर्विस सबसे ज्यादा आज की डेट में, क्योंकि HSVP ने ही सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया। ऑनलाइन टाइम बाउंड है, ऑनलाइन सर्विस तो टाइम पे प्रोवाइड की जाती है। कोई एक दो केस ऐसे होते हैं जिनकी हमारे पास भी क्लियर कट पॉलिसी नहीं होती, तो उसमें हमें ऊपर से हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मंगवानी पड़ती है, तो वो हम तभी कर पाते हैं, है ना। मतलब कुछ मैटर्स ऐसे हैं भी, पॉलिसी मंगवानी पड़े तो उसमें हम अपने डिस्क्रिप्शन पे तो एक्ट नहीं कर सकते है ना, अदरवाइज तो टाइम बाउंड सिस्टम है जी। शुक्रिया सर। आपने सुन लिया कि अनुपमा सांगवान क्या कह रही हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों में मौजूद हुड्डा दफ्तरों में बुधवार सुबह मुख्यमंत्री की फ्लाइंग टीम ने छापा मारा। इस दौरान दफ्तरों से कई अफसर और कर्मचारी नदारद मिले। इसी क्रम में करनाल में भी CM फ्लाइंग ने आज सुबह हुड्डा दफ्तर में छापेमारी की, जिसमें स्टेट ऑफिसर समेत कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। सूचना मिलने के बाद कुछ देर बाद स्टेट ऑफिसर अनुपमा भी ऑफिस पहुंच गई, जिसके बाद CM फ्लाइंग के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ कर चेकिंग शुरू कर दी, जिसमें कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। वहीं CM फ्लाइंग टीम ने शिकायतकर्ताओं से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की और रिकॉर्ड चेक किए। आपने सुन लिया कि लोगों ने क्या आरोप लगाए हैं, इसमें लोग कितने दुखी नजर आ रहे हैं। अब हम आपकी स्क्रीन पर एक पत्र दिखा रहे हैं। यह पत्र पिछली 8 जनवरी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय के अधिकारी ADA के टेबल पर पड़ा है, लेकिन इस पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। यह पत्र इस टेबल पर क्यों पड़ा है, यह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल एक मकान को लेकर कोई धोखाधड़ी की गई है। इस पर बकायदा शिकायतकर्ता ने शपथ पत्र भी दिया हुआ है, जो उस मकान में कानूनी वारिस भी है। हम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय की महिला अधिकारी अनुपमा सांगवान से ही सवाल पूछते हैं कि वो समाचार एक्सप्रेस को बताए कि पिछली 8 जनवरी से मकान के कानूनी वारिस और शिकायतकर्ता की सुनवाई क्यों नहीं हो पाई। अनुपमा सांगवान जी, क्या आप हमारे इस सवाल का जवाब दे पाएंगी। अब आपको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचने वाली फाइलों पर डिस्कस शब्द लिखे जाने का राज भी बताते चलते हैं। डिस्कस का मतलब है कि फाइल में मौजूद कागजों पर डिस्कस करना, यानी इस मामले को लंबा खींचना, और लंबे खींचने का मतलब आपको पता है कि शिकायतकर्ता का कार्यालय में गोडे तुड़वाना, और गोडे तुड़वाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सरेंडर करना, और सरेंडर करने का मतलब क्या होता है यह आप समझदार लोग जानते ही हैं। यही नहीं, ऑनलाइन कार्य भी जो आते हैं जो टाइम बाउंस भी अधीन होते हैं, अगर वही लटक जाए तो आप समझ जाइए कि दाल में काला नहीं बल्कि दाल पूरी काली है। फिलहाल CM सिटी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय में आज जो CM फ्लाइंग दस्ते की जो रेड पड़ी है, उसका काला सच कितना बाहर आ पाएगा यह तो समय ही बताएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस पर। यदि आप भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यालय के किसी अधिकारी से दुखी हैं तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। आपकी शिकायत पर समाचार एक्सप्रेस तुरंत संज्ञान लेगा। इसी तरह के समाचार देखने के लिए आप समाचार एक्सप्रेस को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको यह समाचार अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।